गाइस एंड बेल्स, वापस आ चुका हूँ मैं। इट्स अनबॉक्सिंग टाइम। तो अब हम लोग अपनी अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। मेरे पास है ये अमेज़न वाला डिब्बा, जिसका एड्रेस मैं तुम लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, तो अब मैं चाकू लेके आ चुका हूँ, तो इसे काट लेते हैं हम लोग अच्छे से। अंदर के पार्सल को बिना हार्म करते हुए काटना है, ये ज़रूर ध्यान में रखना। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी कम नोकीली चाकू यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब हम लोग इस बक्से को अच्छे से काट लेते हैं, जिससे आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा और मुझे भी अच्छे से सब्सक्राइबर्स और लाइक्स मिलेंगे। तो तुम लोग अब गेस करो कि इस डिब्बे में क्या हो सकता है। स्टार आर्ट्स, क्या हो सकता है इसमें? शायद से कोई मग वग हो सकता है। अगर तुम लोग डिब्बे के साइज़ पे और शेप पे जाके मग ये गेस कर रहे हो, यू आर रॉन्ग। खुद ही देख लो वीडियो में आगे जाके, बिकॉज आई नीड वॉच टाइम। आई मीन तुम लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। जी हाँ, ओ ये बबल रैप में तो पूरा रैप करके रखा है इन्होंने अच्छे तरीके से, मतलब बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए, इतना बबल रैप दे दिया है उन्होंने। ओके, इस बबल रैप को अब निकालना पड़ेगा। ओ बबल रैप निकल जा। अरे ये देखो हमारा पहला टकला, ये हमारा दूसरा और तीसरा और चौथा नीचे है। तो अब हम लोग इन लोगों को निकालेंगे रैपर से बाहर। इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है अमेज़न वालों ने, सही है, बिल्कुल हार्म नहीं होना चाहिए पैकेज को। ओके, तो मेरे पास आ चुका है पहला टकला। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मैसेज है बुरा मत बोलो। बहुत ही टकला है ये, शाइनी चमकदार टकला है इसका, और इसका कपड़ा भी अच्छा है। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसका जो कलर है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाथ के नीचे, वो ठीक से नहीं दिया हुआ। ओवरऑल अच्छा है टकले, इधर ही बैठ। हमारा अगला बच्चा, ये देखो ब्लू कलर में सबसे अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट कलर ब्लू कलर ही है। तो इसका भी वही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कलर वाला फेंट है। पर इसका मैसेज है बुरा मत देखो टकले, हिलना मत यहाँ से टकले, इधर ही बैठ। उसके बाद हमारा अगला जो है पीस, उसका नाम क्या है मेरे को नहीं पता है, क्योंकि ये मैंने पहली बार ही देखा है। गांधी जी के पास 3 ही मंकी थे, ये चौथा क्या कर रहा है पता नहीं, शायद से कुछ सोच रहा है। इसका भी वही प्रॉब्लम है, नीचे से कलर कुछ खास नहीं है, बट ओवरऑल ठीक ठाक ही है। ये शायद ये सोच रहा है कि ओ स्टार आर्ट्स को सब्सक्राइब किया नहीं है ना, अभी क्या अभी कर दो। अगला टकला, पुतला, ओ ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही डैमेज्ड है। इसके गाल पे एक ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका है गाल पे, पर कोई नहीं। 170 रुपये में तुम लोगों को क्या मिलने वाला है? ओ हाँ, इसकी प्राइस 170 रुपये है, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी, जहाँ से तुम लोग अमेज़ॉन से इसे ख़रीद सकते हो। तो अब ये चारों टकले तुम लोगों को दिखा देता हूँ। अरे 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 भाई, अच्छे से टिके रहो। तो ये है हमारे चार टकले, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। अब तुम लोगों को मैं बाजू से भी दिखा देता हूँ। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टकला, तो ये काफ़ी अच्छा है ओवरऑल। मतलब प्राइस को देख के तो यही मिलने वाला है ना तुम लोगों को। और इसकी साइज़ काफ़ी छोटी है, मतलब 3 सेंटीमीटर हो सकता है इसका साइज़। और
ये देख लीजिए, ये है हमारा पहला, बाद में ये दूसरा, उसके बाद आता है ये तीसरा और हमारा आखिरी वाला चौथा। सर इधर देखिए तो, या इधर देखिए, और मैं इनके कुछ फ़ोटो दिखा देता हूँ तुम लोगों को। तो ये आता है 170 रुपए का है, और ओवरऑल ये अच्छा है क्योंकि 170 रुपए में तुम लोगों को यही मिलेगा। वैसे मटेरियल काफ़ी अच्छा है। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो। तब तक के लिए गुड बाय।